नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं, महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन महंगाई अपनी चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है। आम जनता गर्मी से कम, महंगाई से ज़्यादा अकलान है। यहाँ पेट्रोल ने सेंचुरी अपनी पूरी कर ली है, डीजल तकरीबन अपने सेंचुरी करीब है और CNG पिछले पेट्रोल के रेट 72 रुपये 75 रुपये के रेट के आ चुके हैं। CNG एक टाइम में 32 में बिकता था, आज 75 रुपये किलो बिक रहा है। जैसा कि आप सबके सामने है कि महंगाई किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम और आप हनुमान और आजान वाले मुद्दे में फंसे हुए हैं। नए नए सिकूफा TV चैनलों पर आते हैं और उलझ जुलूल की झगड़े बेमतलब के हमें दिखाते हैं। तमाशा बिन की तमाशा तो खुद ही कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि न्यूज चैनल मीडिया को संविधान का चौथा पिलर माना गया है, लेकिन आजकल का जो मीडिया है वो सिर्फ एक व्यापार बन के रह गया है। ये ड्रामेबाज न्यूज चैनल वाले गांव, गरीब, गंगा, किसान, मजदूर, अपनी माटी खेतों में झुलसते मजदूर को कभी नहीं दिखाएंगे। असहाय किसान जो आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार नौयुवक जो नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है, 50% से भी ज्यादा जनसंख्या 10,000 से नीचे जीवन यापन कर रही है, जिनके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं है, उन्हें नहीं दिखाएंगे। यूक्रेन चले जाएंगे, वहां गोले बारूद में रिपोर्टिंग करेंगे, जिससे आम आदमी, आम जनता का कोई सरोकार नहीं है। आप प्राइमरी विद्यालयों में चले जाओ, गांव की सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, दशा देखो, ना तो डॉक्टर मिल रहे हैं, ना ही वहां नर्स हैं, ना ही बेड की अच्छी सुविधाएं हैं। इनको नहीं दिखाएंगे, यूक्रेन में चले जाएंगे। यूक्रेन और रूस की झगड़ों के लिए UNO बना हुआ है, UNO देख लेगी। आप सभी न्यूज चैनलों से अनुरोध है कि आप जो ये सब दिखा रहे हैं, इनको छोड़ करके कृपया महंगाई के ऊपर दिखाना शुरू करें। किस तरह से हमारे किसान भाई मजदूर जैसे परेशान हैं, हताश हैं, आप इस चीज़ की मुद्दे को उठाएं और ये चीज़ दिखाएं। क्योंकि अभी बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यही है, बेरोजगारी और महंगाई, ये दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज का हाल यही हो गया है, जैसे कि एक बार फ्रांस में अकाल पड़ा था और राजा रानी का जुलूस निकल रहा था। रानी ने राजा से पूछा कि क्या हुआ, लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, लोग इस तरह से मतलब हुड़दंगबाजी क्यों कर रहे हैं। तो राजा ने बोला कि ये सब रोटी की मांग कर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही है इनको तो रोटी की मांग कर रहे हैं। रानी ने बोला कि अरे मूर्खो, डेली रोटी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, केक खाओ, डेली रोटी कौन खाता है। तो उनको पता ही नहीं था कि केक क्या है, रोटी क्या है। उनके लिए केक आम बात है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं है। तो आप सभी टीवी चैनलों वाले से बहुत विनम्र दिल से अनुरोध है, यूक्रेन और रूस को अब UNO को पर छोड़ो और देश के मुद्दे को दिखाओ, किस तरह से देश में गरीब जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और किस तरह से जो है दिन प्रतिदिन हताश होते जा रहा है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए कि मैं किस मुद्दे पे वीडियो बनाऊं अगली वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि जो आप मुद्दा बोलेंगे, जो मेजोरिटी बोलेगी, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा प्यार आप देते आ रहे हैं, वैसा ही प्यार आपसे उम्मीद करता हूं। आप प्यार देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे और खुशी होगी। मैं और भी वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा। तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए गिफ्ट कार्ड।